जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो हमेशा आटे का दिया ही बना के जाती हूँ। वैसे भी घर में मतलब एकदम वैसा वाला दिया अवेलेबल नहीं होता है जो अनयूज्ड हो। और यहाँ पे देखिए मैं थाली रेडी कर रही हूँ और जल बना रही हूँ चढ़ाने के लिए। तो इसमें मैंने 5 चीज़ें ऐड कर ली थी जल में। देखिए ये गंगा जल, उससे पहले मैंने देसी घी डाला था और फिर शक्कर डाली थी और यहाँ पे ये दूध डाल रही हूँ। और बस आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो आज मैं जा रही हूँ शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए मंदिर। और ये यहाँ पे देखिए दही ऐड कर दी है और शहद भी ऐड कर दिया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। हो गया और ये मंदिर जी। भोलेनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप समझ ही गए होंगे आज है मंडे और सोमवार है आज, और सावन का तीसरा सोमवार है। मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, मतलब शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो अभी आपको दिखाया, सारी तैयारी कर ली है और विनोद बस नहा रहे हैं, वो भी आएंगे। घर में मैंने पूजा कर ली, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे भी थोड़े से दर्शन करवाती हूँ आपको। और उसके बाद तो मैंने सोचा हुआ है कि नर्सरी जाएंगे, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, बट सोचा हुआ है मुझे कुछ पौधे लेने हैं, तो देखते हैं। मेरे घर में जैसे फ्लावर्स वाले पौधे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मतलब पूजा वगैरह में चढ़ाने के लिए है ही नहीं। और देखिए ये मैं ग्रीन ग्रीन बनी हूँ क्योंकि कल संडे था। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम 4 अगस्त को ये तीज सेलिब्रेट करने वाले थे, तो कल उसकी सेलिब्रेशन की थी हमने। तो ये नेल पेंट वगैरह और मेहंदी भी वहीं पर लगाई थी मैंने। बैंगल्स काफ़ी सारी पहनी थी तो आकर के मैंने उतार दिए। वो वाली वीडियो आपको ये वाले व्लॉग के बाद मिलेगी, पहले आज सावन का सोमवार का ये वाला जो व्लॉग है ये शायद आज ही अपलोड कर दूंगी, देखूंगी। और कल एडी भी आया हुआ था, वो अभी मॉर्निंग में गया, अद्विक स्कूल गया है और विनोद आज शायद घर से ही काम करेंगे। तो चलिए अभी मंदिर में होके आते हैं। मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था और मैंने पहले अच्छे से पूजा कर ली, जो जिस काम के लिए आई थी वो अच्छे से कर लिया। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ, आप सबको भी भोलेनाथ के दर्शन करवा देती हूँ। तो पूजा कर ली और वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, अब घर निकल रही हूँ। विनोद को लेट हो रहा है, चलो गाड़ी में बैठती हूँ। मॉर्निंग के बाद अब बात कर रही हूँ, बीच में मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, बहुत टायर्ड फील हो रहा था। और आज फास्ट है ना, तो थोड़ा वीकनेस भी रहती है। कल भी हमने फंक्शन पे थे तो थोड़ा सा, देखो 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 पोलर को भूख लगी है। वैसे मोस्टली किचन में आता नहीं है, इसका मैंने ना खाना रेडी करके रखा, इसको भूख लग गया, जिसने ढंग से खाना नहीं खाया। तो ये पनीर अभी मंगवाया अद्विक से और मैंने दूध भी मंगवाया एक्स्ट्रा। मैं आज बनाऊंगी खीर। हमारे में सावन महीने में खीर बनाना बहुत अच्छा मानते हैं और ज़रूर बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा सोमवार भी है तो मैं खीर बना लेती हूँ। और ये फिर पोलर के लिए पनीर भी मंगवाया, तो देखो कहाँ किचन में पहुँच गया अपना खाना लेने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग के बाद, मंदिर जाने के बाद घर में आके ना बहुत सारे काम भी होते और बहुत टायर्ड फील भी हो रहा था और फास्ट भी था, तो इसलिए आगे मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। अभी मैं करती हूँ पूजा और फिर डिनर की तैयारी। और पोलर को बहुत भूख लग रही है, देखो देखो इसे पता लग गया कि पनीर आया है। ये किचन में आता नहीं है, किचन में नहीं आता। तो ये जो प्रसाद बनाया ना हमारे में, इसको कसार बोलते हैं।
और कुछ लोग पंजीरी भी बोलते हैं। तो सोमवार को जब भी मैं फास्ट रखती हूँ कोई भी सोमवार का, तो देखो खाना मांग रहा है मेरे को, बात नहीं करने दे रहा। सोमवार का कोई भी फास्ट, मतलब अभी तो सावन चल रहे हैं तो मैं ये वाला प्रसाद ज़रूर बनाती हूँ, कसार वाला। तो देखो बोलर को बहुत भूख लग रही है, बात ही नहीं करने दे रहा हूँ मेरे बच्चे को, भूख में एसी के पास लेके जा रही हूँ इसे, तो कंट्रोल नहीं हो रहा पोलर को, कंट्रोल नहीं हो रहा है। लो खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ मेरा बच्चा भूख लग रही है ऐसे बोलती मेरे बच्चे को। इसको खाना खिलाने के बाद अब करूँगी पूजा और फिर करूँगी डिनर की तैयारी, खीर बनाऊँगी। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ। ये देखिए खीर मेरी रेडी हो गई है और इसमें शुगर नहीं डाली है मैंने, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, तो इसमें जैगरी डालूंगी। तो ये देखिए अभी मैं ये जो ये ऑफ कर देती हूँ, देखिए हमारी खीर रेडी हो गई और एक साइड बन रही है मेरी सब्जी, ये वाले बैंगन बना रही हूँ और ये वाले फास्ट में मैं नमक वाला खाना खा लेती हूँ। वैसे बोलते हैं कि अगर मीठा खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे को थर्सडे का भी मैं रखती हूँ उसमें मीठा खाती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वीक में दो दो एक मीठा, तो फिर ये वाले में भी मतलब अगर मीठा खाना पड़ेगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए नमक वाला ही खा लेती हूँ मैं रात को खाना। और मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ और पहले ना जो नीचे डॉग्स हैं उनको खाना दे के आऊँगी, क्योंकि ना बहुत तेज़ बादल आ रहे हैं और लाइटनिंग हो रही है तो कभी भी बारिश पड़ सकती है और वो फिर ना यहाँ से चले जाते हैं बेचारे कहीं पर, मतलब यहाँ से बारिश में डरते हैं वो बहुत बारिश से। तो ये आटा मैं दूसरा नॉर्मल वाला लगा रही हूँ और अपने लिए जो है ना ज्वार की रोटी बनाऊँगी वो अलग से लगाऊँगी। चलिए बना लेती हूँ खाना, इन दोनों का बनाया मैंने। और ना देखो रेंगो को पता लग गया कि मैं उनको रोक रही हूँ, तो जो दूसरा डॉग यहाँ पे रहता है ना उसको वो भगा रहा है कि वो मेरा खाना, जबकि मैं दोनों के लिए लाई और बारिश पड़ गई है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए खाना। तो रेंगो ये देखो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और पोलर को जेलस होता है जब मैं इनके लिए खाना लेके जाती हूँ। मैं आज जल्दी दे रही हूँ इन्हें खाना क्योंकि बारिश पड़ गई है और मैंने इनको मतलब ये भाषा समझते हैं, मैंने इन्हें रुकने को बोला है तो रुके हुए हैं बेचारे कि खाना लाएगी। दोनों को खाना खिला के आ गई मैं दोनों डॉग्स को, और अब चाहे तेज़ बारिश भी हो जाएगी ना तो मुझे कोई डर नहीं है, एटलीस्ट वो भूखे नहीं सोएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि रात को तो उनको ज़रूर खाना मिले ताकि वो भूखे ना सोए। तो चलिए अब अपने लिए बनाती हूँ खाना, चपाती लगाती हूँ। ये हो रही है मेरी उसकी ज्वार की रोटी रेडी, ज्वार है और थोड़ा सा इसमें जौ भी, ज्वार और यार जौ ही है शायद, मैं भूल जाती हूँ, ज्वार तो है ही हाँ और साथ में जौ का आटा है डाला है। तो गाइस ये बनाई है मेरी ज्वार की रोटियाँ, थोड़ा इसमें जौ वाला आटा भी है, जौ और ज्वार की। तो ये अब इनको सबसे पहले खाना देती हूँ, टीवी की आवाज़ आ रही है, न्यूज़ चला रखी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, और ये काले चने भी बने हुए हैं, ये भी देखिए थोड़े से। और बनाई हूँ मैंने बैंगन की सब्जी, ये वाली सूखी आलू बैंगन। तो फ्रेंड्स अब करती हूँ मैं डिनर और ये खीर है, खीर रेडी हो गई है तो ये इन्होंने डिनर कर लिया, इनको सर्व करती हूँ, आत्विक को भी करती हूँ और मैं साथ में डिनर भी करूँगी और ये खीर भी लूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फ्रेंड्स बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।